अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। पाँच दिवसीय प्रवास सुसंपन्न कर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज प्रातः संभाजीनगर से मंगल विहार किया। विहार प्रारंभ होते ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मार्ग में जगह जगह श्रावक समुदाय को आशीर्वाद प्रदान करते हुए पूज्य प्रवर गंतव्य हेतु गतिमान हुए। गुरुदेव का पावन सान्निध्य प्राप्त कर मराठवाड़ा क्षेत्र धन्य बन रहा है। लगभग 11 किलोमीटर का विहार कर पूज्य प्रवर सुंदरवाड़ी स्थित ऑयस्टर कॉलेज फार्मेसी में प्रवास हेतु पधारे। मंगल प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, विपत्ति हो या संपत्ति हो, यह एक अलग चीज है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि धर्म तो भव भव में हमारा निस्तारा करने वाला, आत्मा का कल्याण करने वाला, सुगति दिलाने वाला होता है। उसको छोड़ दिया फिर हमारे पास रहेगा क्या? पाप कर्मों को साथ लेकर के आगे जाना है क्या? धर्म को छोड़ दिया तो पाप की पोटली ही लेकर ही आगे जाना है क्या? इसलिए विपत्ति आ जाए, जिंदगी में कठिनाई आ जाए, तो हम यह चिंतन करें कि हमारे कोई पुराने बांधे हुए किसी जन्म के कोई कर्म होंगे, उस कारण से हमारे विपत्ति आ गई है, तो विपत्ति में समता रखो, शांति रखो, कर्म हमारे धड़ जाए, आत्मा शुद्ध बने। तो विपत्ति आई है वो धर्म करने से आई है या पुराने कर्मों के उदय से आई है, कारण क्या है? तो पुरानी विपत्ति यों आने में तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में, भगवान महावीर थे, उनके सामने भी तो कठिनाई आ गई। ऐसा उन पर मानो प्रहार वार शरीर पर असर हो गया, और भी उपसर्ग और कितने आए थे। तो ये तो हमारे कर्म निर्जरा के साधन बन सकते हैं। कठिनाई को हम कर्म निर्जरा का साधन बना लें। कभी शरीर में पीड़ा हो गई, तकलीफ हो गई, शांति रखो, धैर्य रखो, ठीक है। आदमी दवाई लगा सकता है, दवाई खा सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, डॉक्टर हॉस्पिटल चीज़ें मिलती है, वो हो सकता है, पर शांति रखो, धैर्य रखो, ज़्यादा हाई तो बा मत करो, जितना हो उसके समता रखो। अभी कोई कर्म का योग आ गया होगा, अपनी शांति रखो।